आपने अक्सर सुना होगा कि अगर हाथी को गुस्सा आ जाए तो उसके कहर से बच पाना नामुमकिन है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हाथी काफी ताकतवर होता है। वह पल भर में बड़ी से बड़ी चीज को तहस नहस कर देता है। लेकिन एक देश ने 60 हाथियों को मारने का फरमान जारी किया है। ऐसा क्यों किया गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल बोत्सवाना देश में हाथियों की संख्या में दिन ब दिन वृद्धि हो रही है, जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जंगली हाथी न सिर्फ लोगों की फसलें खराब करते हैं बल्कि कई लोगों की मौत का कारण भी बन रहे हैं। लिहाजा इस मुसीबत से निपटने के लिए बोत्सवाना सरकार ने 60 हाथियों को मारने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि हाथियों को मारने वाले शिकारी या कंपनी को बोत्सवाना सरकार को 31 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। इसके लिए सरकार ने 6 लाइसेंस भी जारी किए हैं। कंपनियां इन हाथियों को मारकर उनके अंगों का व्यापार करेंगी, इसलिए सरकार ने प्रत्येक हाथी की कीमत 31 लाख रुपए रखी है, जिससे उसे 18.6 करोड़ रुपए का फायदा होगा। साल 1990 में इस देश में 80,000 हाथी थे, जिनकी आबादी बढ़कर आज 1.3 लाख हो गई है। हाथियों का यह समूह इंसानी बस्ती में घुसपैठ कर फसलें बर्बाद कर देता है। इनके हमले में कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। बोत्सवाना समेत जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका ने भी बीते कुछ सालों में हाथियों को लेकर कुछ नए नियम और कानून बनाए हैं, ताकि इंसानों और हाथियों के बीच चल रहा संघर्ष कम हो सके।